Audio Jungle. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप और आपके बड़ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर लॉन्ग टेल शाफ्ट टेल जिन्हें कहा जाता है वो बर्ड्स हैं। कुछ ग्रे कलर में, कुछ फाउन कलर के अंदर है जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे आपके। और पेयर्स हैं, पेयर है सारे। और अगर कोई एक एक पेयर लेना चाहता है तो पेयर पेयर भी ले सकता है, और लॉट लेना चाहता है तो लॉट में भी मिल जाएगा आपको। देख सकते हैं आप, क्वालिटी हेल्थ वाइज भी बहुत बढ़िया है पेयर, और सारे एडल्ट पेयर हैं अगर किसी को लेने हो तो। देख सकते हैं आप, चार पेयर हैं। अगर चारों इकट्ठे लेने हो तो इकट्ठे भी ले सकता है। और रेट वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रेट वगैरह मिल जाएगा। और आप बाकी देख सकते हैं, क्वालिटी हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये रहता है कि ये ब्रीड नहीं करते, ब्रीड करते हैं, बस इन्हें सॉफ्ट फूड चाहिए होता है ब्रीडिंग सीज़न में। तो आप सॉफ्ट फूड का इनका ध्यान रखिए, और सिंगल सिंगल पेयरिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर कॉलोनी में छोड़ेंगे तो कम से कम 2.5 या 3 फुट का केज होना चाहिए। जैसे कि इस केज के अंदर रखा हुआ है मैंने, ये 2.5 फुट का केज है और ओनली 4 पेयर है, 4 बास्केट है। आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी हेल्थ वाइज मेल, सबके रिंग डले हुए हैं, मेल फीमेल सबके। जो पेयर लगा हुआ है उसके सेम कलर का रिंग डला हुआ है ताकि पहचान रहे कौन सा किसके साथ लगा हुआ, नहीं तो आपको पता है सेम ही दिखते हैं सारे और मिक्स हो जाएंगे। इसलिए देख सकते हैं आप, जिसके ब्लू रिंग है उसके साथ ब्लू ही है, जिसके ग्रीन रिंग है उसके साथ ग्रीन ही है। और बास्केट में भी जा रहे हैं सारे। बाकी बास्केट इसलिए लगाई है मैंने ताकि थक जाए तो उसके अंदर आराम से बैठ सके, लेट सके। और ये देख लीजिए आप, सारे एक्टिव हैं, सामने से दिखा रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल एक्टिव बर्ड है, बर्ड में कोई कमी नहीं है। देख लीजिए आप, जितनों के भी पर्पल रिंग हैं उनके पर्पल ही मेल फीमेल के पर्पल ही मिलेगा। ये देखिए पेयर हैं, देख सकते हैं आप, सामने आपके दिख रहा है। तो मैंने सबके जैसे कि कार रिंग डाल रखे सेम कलर के मेल फीमेल के, ताकि पता रहे कौन सा मेल है कौन सी फीमेल किससे लगी हुई है, ताकि बॉन्डिंग ना ख़राब हो इनकी। और बाकी जो लेगा वो अपने हिसाब से रख सकता है। देखिए 2.5 फुट का केज है, और ज़्यादातर ये बास्केट और बॉक्स में ही ब्रीड करते हैं और 4 से 5 अंडे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।